यूपी की राजधानी लखनऊ अब सही मायने में मेट्रो सिटी बन गई है। लखनऊ में आज मेट्रो सेवा का उद्घाटन हुआ और अब शहर में मेट्रो दौड़ने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान यूपी सरकार के कई मंत्री और बड़े नेता भी मौजूद रहे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि मेट्रो के चलने के साथ ही लखनऊ के विकास का भी रास्ता खुल गया है। वहीं सीएम योगी ने मेट्रोमैन ई श्रीधरन का धन्यवाद किया। जिस भी शहर में मेट्रो चलती है तो विकास की संभावनाओं के एक नए द्वार उस शहर में खुल जाया करते हैं और यहाँ का सांसद होने के नाते मैं यह मानता हूँ कि यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट प्रारंभ होने के साथ ही साथ हमारे इस लखनऊ महानगर के विकास की संभावनाओं के द्वार भी खुल गए हैं। मेट्रो रेल मेट्रोमैन के रूप में लखनऊ मेट्रो के प्रधान सलाहकार के रूप में जिनका मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा है, अन्य नगरों में भी कुशलतापूर्वक संचालित हो सके ऐसे हमारे प्रधान सलाहकार इंजीनियर श्रीधरन जी हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। लखनऊ में मेट्रो के संचालन के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने मेट्रो के लिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव को बधाई दी। मैं अखिलेश को इसकी बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की थी और आज वो मेट्रो जिसका वो उद्घाटन करके चले गए थे और आज उस मेट्रो के ऊपर सवारियां कुछ ऐसी बैठने वाली हैं जो अपना झंडा लगाएंगे। लखनऊ मेट्रो अपने पहले चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चार बाग के बीच चलेगी। ट्रांसपोर्ट नगर से चार बाग तक 8.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब 20 मिनट लगेगा। लखनऊ में मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सेवा देगी।